नमस्कार टीवी 24 के इस खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहित कुमार साहू और आज हम खास मेहमान से जुड़ते हैं लक्ष्मी राजवाड़े, जो पहली बार भटगांव विधानसभा से भाजपा की प्रत्याशी से वहां से जीती हैं, भटगांव विधानसभा से। और लक्ष्मी राजवाड़े जनपद सदस्य महिला मोर्चा सूरजपुर की जिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और पहली बार मंत्री बनी और पहली बार विधायक भी। हम तमाम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे लक्ष्मी राजवाड़े जी से। लक्ष्मी जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी जी, सबसे पहले तो मैंने ये सुनना चाहूंगा, चूंकि आप अब एक महिला भी हैं और फिर राजनीति में भी आई हैं और पहली बार मंत्री बनी और पहली बार विधायक भी बनी, एक बहुत चुनौतीपूर्ण आपको जिम्मेदारी मिल गई है, कैसे देखती इन सब चीजों को आप? देखिए, सही बात बताऊं तो वाकई में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पहली बार विधायक, पहली बार इतना बड़ा छत्तीसगढ़ का जिम्मेदारी, लेकिन देखा जाए तो सभी का साथ अगर रहता है, हमारी टीम इतनी अच्छी है, हमारे मंत्रिमंडल की टीम इतनी अच्छी है कि उनसे मार्गदर्शन लेते हुए बहुत अच्छे से काम हो रहा है, अपने विभाग को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। तो जिम्मेदारी एक होती है, लेकिन उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाते हुए अपन चल रहे हैं। जी, चूंकि आप महिला बाल विकास मंत्री भी हैं और महिलाओं से रिलेटेड भी काम है, छत्तीसगढ़ में ये भी देखने मिला है कि पिछले जब से 20 साल के आसपास अगर हम बात करें, 20 साल की ही लेते हैं, भाजपा की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, के लिए महिलाओं पे जो अत्याचार का मामला है वो लगातार आता रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं और इसका कैसे निजात पाया जाए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खासकर बात करें तो? देखिए, 15 साल हमारे भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट रही छत्तीसगढ़ में और 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही। 15 साल और इन 5 साल जो कांग्रेस की सरकार रही, इसमें आप दोनों में बहुत ज़्यादा, 15 साल वर्सेस 5 साल, मतलब 5 साल में जितने अत्याचार महिलाओं पे हुए हैं उतना 15 साल में नहीं हुए, ये आप देख सकते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा मात्रा में, इतना मतलब अत्याचार के साथ साथ पूरा भ्रष्टाचार के भेंट हमारे छत्तीसगढ़ को चढ़ाया गया कांग्रेस के कार्यकाल में, और इसके रोकथाम के लिए फिर से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी है और इस गवर्नमेंट में हमारी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। उस अत्याचार को रोकने के लिए हमारे डिप्टी सीएम भी बहुत अच्छी पहल कदम उठाए हुए हैं, तो इस पे कंट्रोल धीरे धीरे हो रहा है। अपराध तो लगातार बढ़ ही रहा है, खासकर दुष्कर्म के मामले हो, शोषण के मामले हो, महिलाओं पे अत्याचार के मामले हो, कभी खत्म नहीं हो। इसके अलावा सेंट्रल की भी एक जो रिपोर्ट आई थी उसमें छत्तीसगढ़ में भी, और छत्तीसगढ़ की भी रिपोर्ट है टीम की, कि यहाँ पर सब करीब लगभग 1 लाख से अधिक भी महिलाएं गायब हैं। अब उसकी आज तक कभी सर्च नहीं हो पाई, खोज नहीं पाई, प्रदेश में महिला थानों की दिक्कत है। हाँ, देखिए, मैं पहले भी कही कि हमारी सरकार इस चीज पे प्रतिबद्ध है, ये सब को कंट्रोल करने के लिए जागरूकता भी चलाए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे डिप्टी सीएम है, हमारे मुख्यमंत्री जी है, इस पे पहल कर रहे हैं, इसके रोकथाम के लिए बड़े निर्णय ले रहे हैं। बिल्कुल, आप अगर हम जानना चाहेंगे, क्योंकि राजनीति की शुरुआत करना एक महिला के लिए बहुत दिक्कत होता, आप क्या, कैसा रहा राजनीति की शुरुआत? देखिए, डायरेक्ट एक चूल्हा चौकिया से निकल कर अगर एक महिला आ गए आई है तो कहीं ना कहीं परिवार का हाथ होता है, और वो परिवार का साथ मुझे मिला चूल्हा चुकिया से निकाल के। जो महिला चूल्हा चुकिया के साथ घर का पूरा काम संभालते हुए, गोबर फेंकते हुए, उस स्थिति को वहीं पे छोड़ते हुए, मतलब आज भी परिवार संभालते हैं, ऐसा नहीं कि परिवार नहीं संभालते, आज भी थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, लेकिन अगर घर जाते हैं तो आज भी वो काम करते हैं, तो परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुझे। कोषाध्यक्ष के दायित्व में पहले मैं रही 2011 में, उसके बाद फिर मैं ऐसा लगा क्योंकि हस्बैंड जी पंचायत सचिव थे, और पंचायत सचिव को के साथ उनको ऐसा लगा कि पंचायत सचिव सिर्फ पंचायत भर का ही सेवा करते हैं, काम करते हैं, तो क्यों ना हम राजनीतिक क्षेत्र में आए और जनता का सेवा करने का अवसर, ज़्यादा लोगों का सेवा कर पाएं, उसके लिए मुझे एक माध्यम बनाए कि आप आए और जनपद सदस्य का चुनाव लड़वाएं, और जनपद सदस्य का चुनाव लड़ने के बाद जीत भी हासिल हुई, जनता का भरपूर आशीर्वाद भी मिला। उसके साथ धीरे धीरे ऐसा लगा कि कम क्षेत्र है, कम उसको बढ़ाया जाए, जनपद के बाद जिला पंचायत का चुनाव लड़े, उसमें भी सूरजपुर जिले में सबसे ज़्यादा
वोट से जीते, उसके बाद संगठन का भी दायित्व मिलते रहा, कोषा अध्यक्ष, फिर महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष, फिर महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष, ये सब को देखते हुए संगठन ने विधानसभा का भी टिकट फाइनल किए। और मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती कि सरगुजा संभाग में 14 सीट में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाली अगर कोई महिला है तो लक्ष्मी राजवाड़े ही है। इतना भरपूर भड़गांव विधानसभा की जनता का आशीर्वाद मिला, जिम्मेदारी ज़्यादा मिल गई है। मुझे ऐसा लगता कि वो उसी का नतीजा है कि आज बिल्कुल 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 निश्चित रूप से। ये भी हमने सुना है कि आपके पति महोदय भी राजनीतिक रुझान को देखते हुए सरकारी नौकरी भी छोड़ दिया था उन्होंने। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये अनिश्चितताओं का खेल रहता है। ये पहले ये पता नहीं था कि नहीं टिकट फाइनल होगा ही, प्रयास में बहुत सारे लोग रहते हैं और सब तो सभी को लगता है कि शायद मुझे मिले मुझे मिले। दौर में काफ़ी लोग थे लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मुझे ही मिलेगा, उससे पहले ही छोड़ दिए थे। और मिला तो वैसे प्लस जनता के बीच में, हाँ, भाजपा का भरोसा जीते और कहीं ना कहीं अच्छा आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो मैं ये भी चाहूँगा कि दो बार के जो सिटिंग एमएलए है उनको भी आपने हराया वहाँ से, क्या रणनीति आप लोगों ने की थी कि ग्राउंड जीरो से शुरुआत की थी? और वहाँ पे ऐसे तो बेसिक बहुत सारी समस्या है, भटगांव जो क्षेत्र का ऑलरेडी एरिया है, आपने ऐसा क्या वहाँ पर किया तैयारियाँ कि जिससे जो सिटिंग एमएलए है उनको आपने हरा दिया और बड़ी भारी बहुमतों से? जी देखिए, रही बात दो बार के विधायक रहे, कांग्रेस के विधायक रहे और हमारे ही समाज से रहे, क्योंकि अगर समाज की बात आती है तो कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि अगर सामाजिक व्यक्ति कोई किसी को मिल जाता है वो पक्ष विपक्ष नहीं देखते हैं, लगता है कि सामाजिक व्यक्ति हैं तो उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस बार जो लड़ाई था, दोनों एक ही समाज के लोग थे और कहीं ना कहीं उनका 10 साल कंप्लीट हो गया था और भड़गांव विधानसभा की जनता को लगा कि अगर हमारे समाज की, हमारे भड़गांव विधानसभा की बेटी को अगर टिकट मिला है तो उनको भी आगे बढ़ाया जाए। और कहीं ना कहीं वो पिछले बार के लोकसभा के चुनाव में वही विधायक कहीं पे बोल के गए थे, मेरे ही सामने बोल के गए थे कि लड़ना है तो विधायक सांसद का चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते। तो मुझे लगता है कि ऊपर वाला भी सुनता है, तो उसी का नतीजा था कि आज प्रतिद्वंदी दोनों हो गए और एक को हार एक को जीत तो रहता ही है कि किसी को हार किसी को जीत मिल, तो एक को हारना ही था एक को जीतना ही था। तो भड़गांव विधानसभा की जनता अपनी बेटी को स्वीकार किए और वहां से जीता के भेजे। आपको नहीं लगता कि उस क्षेत्र में चुनौती आपको ज़्यादा होगी, क्योंकि कॉलरी एरिया भी है, मजदूरों की समस्या है, रोजगार की समस्या है, मूलभूत समस्या है, पानी की समस्या, बहुत सारी चीज़ें हैं? नहीं देखिए, अब जिम्मेदारी मिली है तो उसको तो पूरी तरह से निभाने का प्रयास कर रहे हैं, वो चाहे मजदूरों की हो चाहे रोजगार की हो, उस पर अपन काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो सभी तरह से पहल कर रही है कि लोग सशक्त कैसे हों, उसके लिए तो प्रयास कर ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा चूँकि आप महिला बाल विकास मंत्री भी हैं और पूरा देश हमारा, अगर हम बात करें विश्व की बात करें तो आधी आबादी महिलाओं की है, ऐसे में आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी, खासकर हम बात करें महिलाओं को लेकर? देखिए, प्राथमिकताएं की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही पहली घोषणा पत्र के आधार पर, मैनिफेस्टो के आधार पर हमने तो बहुत बड़ा वादा पूरा कर दिया महिलाओं को सशक्त करने के लिए। 1000 रुपये हमने जो वादा किया था, हमारी सरकार ने जो वादा किया था, मोदी जी की गारंटी पूरा करके दिखाए। इतने कम समय में सरकार बने, 2-3 महीने ही हुए और 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 1000 रुपये गए। और वैसे ही घोषणा पत्र के आधार पर बहुत सारी घोषणाएं पूरे भी हुए, जो सरकार 5 साल में नहीं कर पाई कांग्रेस की सरकार, वो हमने इन कम समय में पूरा करके दिखा दिया और आगे भी ऐसे ही धीरे 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 करके पूरी घोषणा को पूरा करेंगे। तो प्राथमिकताएं वैसे महिलाओं को सशक्त करने के लिए, वहाँ के मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे पढ़ाई लिखाई में आगे हों, अपने लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ें, युवाओं को रोजगार मिले, उसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है, मतलब सभी स्तर पर हमारी सरकार काम ही कर रही है। आपकी
कि चूंकि आप मंत्री भी हैं और महिला भी हैं, तो आपकी प्राथमिकता, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप महिला भी हैं तो एक हमारा व्यू होता है कि अगर मैं मंत्री बनती हूँ और आप उसी विभाग की मंत्री हैं तो एक प्राथमिकता होती है, चूंकि आप महिला हैं और महिलाओं की जो चीज़ें हैं वो दर्द वो आपको ज़्यादा करीब से समझ आता है, तो मैं उस वे पे बात करता कि आपकी प्राथमिकता और क्या होगी। ये तो योजना थी, वो तो करना ही था, चीज़ों को आप लोगों ने जब वादा पूरा किया करना ही है वो, इसके अलावा आपकी कुछ प्राथमिकताएं भी होंगी कि मुझे इस तरह से चीज़ों को काम करना स्टेप बाय स्टेप या जैसा भी आपका। एक देखिए, कोई भी काम योजनाबद्ध तरीके से होता है, योजना बना के किया जाता है। और रही बात हमारी जो विभाग है, वो चाहे बच्चों को लेके हो, चाहे महिलाओं को लेके हो, चाहे अगर हम समाज कल्याण की बात करें तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सशक्त हों, उसके लिए हम आने वाले समय में और ऐसे रोजगार खोलेंगे ताकि महिलाएं खुद काम करें और खुद काम करके वो आगे बढ़ें, इसके लिए हम आगे प्रयास करेंगे। बच्चों की दिशा में हमारा डिपार्टमेंट ऐसा है, महिला बाल विकास, कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको वहाँ 3 साल के बच्चे जब आना स्टार्ट करते हैं तो वही वो समय रहता है जब हम बच्चों के मस्तिष्क में पूरा कुछ भर सकते हैं, ज्ञान भरने का समय वही रहता है। तो अपन आंगनबाड़ी में ऐसा सिस्टम क्रिएट करें ताकि बच्चे वहीं से सीख के निकल के डायरेक्ट स्कूल में एडमिशन लें, क्योंकि अब प्राइवेट स्कूलों में ऐसा हो गया है कि नर्सरी से जो हम आंगनबाड़ी में सिखाते हैं वो नर्सरी में सिखाते हैं और वहाँ पैसा लेते हैं प्राइवेट स्कूलों में। तो हम आंगनबाड़ी में ही वो सब पूरी शिक्षा दे दें ताकि उनको डायरेक्ट नर्सरी में ना एडमिशन करना पड़े, वो क्लास 1 क्लास 2 में ऐसे एडमिशन लें, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता सहायिकाओं को अब हमारे साइड से निर्देश भी दिया गया है कि वो शिक्षा दें जो बच्चे को नर्सरी में देते हैं वो हम आंगनबाड़ी में ही दे दें, ताकि बच्चे बहुत कुछ सीख भी जाए। और हमारा तो ये भी प्लानिंग चल रहा है कि बच्चों को उसी समय में ऐसे अगर पूजा पाठ की बात होती है तो हनुमान चालीसा भी वहाँ सिखाएं बोलें, ताकि बच्चे भले बोल नहीं पाए लेकिन सुने, उनके ध्यान में रहे कि हनुमान चालीसा भी कोई चीज़ होता है, हम भक्ति के प्रति आते हैं तो माइंड में क्रिएट होता है और भक्ति भावना भी जगता है, तो इसके लिए हम प्रयास करें। बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रयास होना चाहिए, चूँकि आधी अभ्यर्थी महिलाओं की है और जब तक से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक से हमारा समाज भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और एक महत्वपूर्ण समस्या ये भी है हमारे प्रदेश में, शराब की बड़ी एक, अगर हम बात करें, शराब एक को बंद नहीं कर पा रही सरकार, खासकर सबसे ज़्यादा इसका भुगतान जो है महिलाओं को करना पड़ता है। पति शराब पी कर मारपीट करता है, काम पर बाहर नहीं जाता, हमने देखा अधिकांशतः महिला बाहर काम करती हैं क्योंकि सब बोझ महिलाओं पर आ जाता है, चाहे वो हम बस्तर की बात करें, चाहे वो सरगुजा की बात करें, इवन ग्रामीण क्षेत्रों की भी बात करें। तो इसके लिए आप लोग कुछ प्रयास करते हैं कि सरकारी बेचेगी शराब, ऐसा है? देखिए, पिछले बार की सरकार ऐसा था कि शराब बंद करेंगे, कि ये फॉर्मूले में चल रहे थे कि हम शराब बंद करेंगे, लेकिन क्या हुआ और ज्यादा शराब की दुकानें खुली। लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में ये नहीं रहा, लेकिन शराब बंद करने का तरीका यही रहेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में शराब दुकानें वो तो अलग ही हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं शराब बनाती हैं वो तो पूरी तरह से बनाना बंद कर दें। अगर हम महिलाएं, खासकर गांव की महिलाएं ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं उस चीज़ से। अब मैं भली भांति उस चीज़ को देखी हूँ कि किस तरह से प्रताड़ित रहती हैं। हम पिला तो देते हैं, तो पैसा कमा तो लेते हैं, लेकिन वही महिलाएँ परेशान भी होते हैं। तो जागरूकता सबसे बड़ी चीज़ है, जागरूकता अगर हम में नहीं आएंगे, हम क्या पिला रहे हैं उनको, जहर पिला रहे हैं उनको, एक परिवार को उजाड़ने का चीज़ दे रहे हैं, उनको सेवन करा रहे हैं। तो जागरूकता अगर आ जाए तो मैं मानती हूँ शराब जैसे अब घर में जो घटनाएं घटती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं, तो ये सब दूर हों। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से इस तरह की जो सामाजिक बुराई है शराब जैसी चीज़ें की और नशे की जो उसकी बुराई है, आप किस जो बात करें, आपका जो विभाग है खासकर इसी वर्ग के लिए काम होता है। अगर हम बात करें, चूंकि अभी बिल्कुल अब 6 महीने 7 महीने होने जा रही सरकार को बने, आप इन 6-7 महीने भी बात करें, सरकार बेहतर वर्क कर रही है छत्तीसगढ़ की। दूसरी अगर हम बात करें, आप पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही, अभी आपने कामकाज देख आप देख रही हैं, तो कैसा अभी को समझ आ रहा आप उस कामकाज में कि पिछले बार की सरकार ने क्या काम किया था, किन योजनाओं के तहत काम किया था, मुझे किन योजनाओं के तहत काम करना है अब अपने हिसाब से आपको? देखिए, 5 साल की जो सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही,
योजना क्या बनाई यही समझ में नहीं आया कि उनकी क्या योजना थी, क्या धरातल पे उतर रहे हैं। हमें 5 साल यही समझ में नहीं आए क्योंकि हम विपक्ष में थे और कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि के रूप में और संगठन का काम करते ही सिर्फ जनता की लड़ाई के लिए ही 5 साल लड़ते लड़ते बीत गया। अब क्योंकि इतने बड़े दायित्व में आए हैं और भड़गांव विधानसभा का नेतृत्व भी कर रहे हैं और कहना चाहिए इतनी बड़ी दायित्व मिला है तो अब छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हमारी सरकार बनने के बाद इन 6 महीने में बहुत सारे काम तो किए हैं लेकिन और अच्छी योजना धरातल पे उतरे इसके लिए भी काम आगे कर रहे हैं। मतलब क्रियान्वयन हो रहा है और अच्छे से क्या कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो मंत्रिमंडल की टीम है सब बहुत सक्रिय हैं और अपने अपने स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इसका बेनिफिट और योजनाओं के माध्यम से धरातल तक दिखेगा। समाज कल्याण विभाग हमेशा एक प्रश्नवाचक विभाग रहा है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे काम को लेकर हो, चाहे जो काम होना चाहिए वो काम नहीं दिखता धरातल पे, वो अक्सर इस तरह की ये विभाग को माना जाता है और ठोस प्रयास जरूर होता होगा लेकिन वो धरातल पे नहीं दिखता, कैसे मानते हैं इसको, कैसे देखते हैं? समाज कल्याण विभाग आप जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। पहले तो हम उस विभाग को ठीक करना चाह रहे हैं जो पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। पहले उस सिस्टम को अपन चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे करके। अगर सिस्टम चेंज हो जाता है, हम अगर सुधार लेते हैं तो ऑलरेडी जो क्रियान्वयन समाज कल्याण विभाग में होना चाहिए वो ऑलरेडी दिखेगा, तो सिस्टम को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं अपन। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी और भी चीजें हैं, देखिए इस तहत बहुत सारी योजना, जैसे एक लगातार वो बीच में तो ये चल रहा था कि शादी ब्याह होता था तो वो जिनकी शादी हो चुकी उनका भी योजना मिला दिए, वो सामान खरीदी में जो सामान खरीदना है, जो दुल्हन होते हैं उनको दुल्हन को जो सामान देना है उसमें भ्रष्टाचार, ऐसे तमाम भ्रष्टाचार की चीजें हैं, तो आप कैसे लगाम लगा पाएंगे इन सब चीजों पे? देखिए ये सब बातें आती रहती हैं और मुझ तक ये बात पहुंचती है। अभी अपन मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से जितने भी विवाह हुए हैं मैं साफ तरीके से निर्देश अपने डायरेक्टर को और जहाँ जहाँ जिस जिस जिले में विवाह हुए हैं वहाँ के डीपीओ को साफ निर्देश दिया गया है कि एकदम जांच परीखे, क्योंकि योजना उन गरीब व्यक्तियों के लिए है, परिवार के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो क्या है आज के समय में ऐसे देखावे वाले जिंदगी हो गए हैं, सब पैसा खर्च करने में के कई लाख कई करोड़ खर्च कर देते हैं। तो ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह उन परिवार के लिए है जो वाकई में बहुत गरीब हैं और गरीब के साथ हमारा सरकार उनके लिए आर्थिक मदद कर रहा है, उनका विवाह करवा रहा है। और ऐसी बातें आती हैं कि नहीं शादीशुदा महिलाओं को बैठा देते हैं, तो हमारे साइड से साफ निर्देश दिया गया था कि इस तरह से अगर होगा तो उनको छटनी करके अलग किया जाए और इनको जिनको जरूरत है उनको बैठाया जाए। इस बार अपन पूरी तरह से निर्देश दे के रखे थे। जी एक सबसे महत्वपूर्ण ये भी है, जहाँ से बच्चों का शुरुआती दौर होता, प्रारंभिक दौर होता, जहाँ सीखने का दौर होता, आंगनबाड़ी, आपने भी चर्चा भी किया था उस पर, आंगनबाड़ी में हमेशा ये देखा गया है कि जो महिलाओं को जो भोजन मिलना है या बच्चों को जो भोजन मिलना है कार्यकर्ताओं के हिसाब से, और चूंकि मैं भी फील्ड में काफी काम किया मैंने बहुत देखा इन सब चीज़ों को, जो सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए, जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको वो सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं मिल पाती। दूसरा, जो महिलाओं जो गर्भवती महिला होती है जो पोषण आहार जो देना है उसमें भारी धांधली भी होती है और ये फैक्ट है, अगर आप जब जांच करने निकलेंगे तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो आप इस तरह की जो चीजें जो प्रारंभिक दौर जहां से शुरुआत होनी है वही चीज अगर खराब होगा तो फिर आगे भविष्य क्या होगा उनका, तो इस पे आप लोग कभी कोई ऐसा सोचा नहीं कि अभी अब उस पे इस पे कुछ काम करना हो? देखिए सोच तो बहुत कुछ रहे हैं और वो चीज देखे भी है जो आप कह रहे हैं, वो चीज अपन देखे भी है। उस तरह से धांधली ना हो उसके लिए विचार भी किया जा रहा है, हम कैसे आंगनबाड़ी पे काम करें ताकि जो प्रारंभिक शिक्षा जिसे आप कहें कि आंगनबाड़ी से मिलता है बच्चों को, वो चाहे भोजन के से संबंधित हो चाहे महिलाओं से संबंधित हो, उस पर अपन सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनको जो भोजन मिलता है वो साफ सुथरे स्वच्छ मिले, पौष्टिक आहार मिले, उसके लिए अपन पूरा प्रयास कर रहे हैं। और निर्देश तो ऐसे दिया गया है लेकिन मेरे द्वारा भी औचक निरीक्षण किया गया, तो जहाँ जहाँ गई हूँ वहाँ तो अभी तक ठीक ही पाया गया है। तो
आप तो खुद भी जनप्रतिनिधि रही है और भड़गांव जैसे क्षेत्र के, तो आप तो खुद भी गई होंगी वैसे कई जगह पे, मिला भी होगा आपको? नहीं, हाँ पहले गई थी और अभी मंत्री बनने के बाद भी गई हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ गई हूँ वहाँ ठीक ही पाया गया है। अभी निःशक्त जनों के लिए भी तमाम बड़ी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर भी सरकार काम जरूर करती है और दस्तावेजों में जरूर काम होते हैं, लेकिन वो धरातल पे नहीं दिखती। वो भी ऐसी बड़ी योजनाएं हैं सशक्त निःशक्त जनों के लिए। जी हमारा प्रयास तो हमारा पूरा पूरा प्रयास है कि योजनाएं सिर्फ कागज तक ही ना रहे, निःशक्त जनों को उसका लाभ मिले, उसके लिए अपन पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है धांधली की, और धांधली जब तक खत्म नहीं होगा तब तक कोई भी योजना हम धरातल तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इसको पूरी तरह से अब खत्म करने का पूरे पारदर्शिता के साथ, कुल मिला के पूरी पारदर्शिता के साथ अपन काम करना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार तो खत्म होना चाहिए, और हम जरूर कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन वो होता नहीं है। ये मैं आपको बताती हूँ, ये सोच पर डिपेंड करता है कि हम आखिर में हमको जो दायित्व मिला है उस दायित्व का से काम हम कैसे करें, दायित्व का निर्वहन कैसे करें। अगर हमारे मन में ही पाप रहेगा तो जमीनी स्तर पे दिखेगा ही, लेकिन हमारे मन में अगर पाप नहीं है तो वो धरातल पे अच्छा काम दिखेगा। तो हमारे मन में पाप नहीं है तो निश्चित तौर पे धरातल पे आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ी योजना थी महतारी वंदन योजना, जिसकी खूब चर्चा रही भाजपा में, और जीत का सर्वे सर्वा भी उसी योजना को जाता है। चुनाव से पहले आप लोगों ने बहुत कुछ कर लिया था, तो वो जहां तक बातें आ रही थी कि भाजपा काफी मतों से जीत के आई, हालांकि टक्कर देने की स्थिति में और जीत के भी आई भाजपा। और ये लगातार राशि की भी बात करते हैं, तो ये राशि भी बीच बीच में महिलाओं को मिल रही है नहीं मिल रही, इस तरह की भी चीजें लगातार आ रही। इस महतारी वंदन योजना के थोड़े से विषय में मुझे जरूर बताएं, इस पे क्या है? देखिए हमारे घोषणा पत्र में रहा कि सभी महिलाओं को 1,000 रुपये महतारी वंदन योजना के तहत लाभ दिया जाएगा, और हमने कम समय में 70 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ भी पहुँचाया, क्योंकि बहुत कम समय ही मिला था कि फॉर्म भी जमा करना है, पैसा भी देना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमको देना था। हालांकि 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रहता है, हम जारी किए हैं 10 मार्च को, तो थोड़ा सा कम समय था इसलिए थोड़ा सा कहीं कहीं पे ऐसा प्रॉब्लम हुआ। लेकिन बहुत सारी, मतलब पहली बार ऐसा है कि इतनी बड़ी योजना और इतनी सारी महिलाओं को इस योजना का लाभ पहुंचाए हैं, तो थोड़ा बहुत कहीं पे चूक होगा कि किसी महिला को नहीं मिल पा रहा है, कहीं पे कुछ महिलाएं डेथ भी हो रही हैं, और कभी कभी फॉर्म के माध्यम से 2 आवेदन भर दिए हैं तो उसमें से भी कुछ कट रहा है, तो ऐसे थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। लेकिन बहुत सारी महिलाओं को अभी भी 70 लाख महिलाओं को 1,000 रुपये दिया जा रहा है। जी, एक मेरा आखिरी प्रश्न, चूंकि आप भटगांव की भी विधायिका भी हैं और चूंकि मंत्री भी हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी थोड़ी सी वहां के लिए बनती, तो आपने कुछ टारगेट सोच रहा हो कि भटगांव को थोड़ा सा विकास करने में किस ओर लेके जाऊं, क्या एक वो जो समस्या मूलभूत चीजें नजर आती है, या फिर उसको और कैसे अच्छा कर पाऊं? ऐसा देखिए, उसके लिए हम कदम उठा चुके हैं, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं जो चुनाव के दौरान हमने सब जगह, क्योंकि 10 साल वहां कांग्रेस के विधायक रहे हैं और सभी त्रस्त हो गए थे, परेशान हो गए थे कि क्या 10 साल में क्या दिखा, और कहीं ना कहीं परेशान थे इसके वजह से भी आज वहाँ से इतने भारी मतों से जिता के भेजे। तो मूलभूत सुविधाएं अपन पूरा पूरा कर रहे हैं, पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा भी हम भटगांव विधानसभा के लिए क्या कर सकते हैं उसकी भी चिंता कर रहे हैं, और अच्छा भटगांव विधानसभा को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से, तो ये लक्ष्मी राजवाड़े जी महिला एवं बाल विकास मंत्री और भटगांव की विधायक भी हैं, तो निश्चित रूप से अपने क्षेत्र के लिए और प्रदेश की जनता के लिए, खासकर आदि महिलाओं के लिए विशेष फोकस कर रखा है, और निश्चित रूप से आने वाला समय आबादी जो है महिलाओं की, निश्चित रूप से विकास करी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।